कितना खुश हूँ मैं तुम्हें दूल्हे के लिबास में देखकर। चंदू, इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। नमस्ते, नमस्ते। दुल्हन चांद का टुकड़ा लग रही है, आइए। ये कौन है? कौन क्या मतलब? धर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी राजशेखर धर्मा। एमडी लकी दिप। ब्रदर सर, ब्रदर। ओ, नमस्कार सर, नमस्कार। और दोनों परिवार में संधि भी हो गई। और ठीक तभी वेडिंग प्लानर मिसेस चंदा से बात करो तुम। फ्लावर डेकोरेशन में 25 लाख का खर्चा दिखाया है तुमने, उसमें कुछ कमीशन खाया है क्या? कौन है ये जो आप पर उंगली उठा रहे? इन्हें क्या समझते हो, लड़के के मालिक है। सॉरी चेयरमैन सर, पीछे से देखकर कंफ्यूज हो गया था। आइए सर। ये कैसे बात करते हैं, पागल है क्या? डैडी हमेशा ऐसा ही करते थे। क्या वो तुम्हारे डैडी हैं? जी हाँ, श्री शिवराम। एक मिनट, उस दिन तो कोई और सरनेम बताया था। हाँ तो कहाँ होगा, मेरी माँ का सरनेम अलग है, मेरे बाप का सरनेम अलग है। मैं अपनी माँ के घर पैदा हुआ इसलिए मैंने अपनी माँ का नेम यूज कर लिया। पता नहीं जी, हमें तो बस कंफ्यूजन हो रहा है। हम तो तुमसे ज्यादा कंफ्यूजन में हैं भाई। आइए, मुहूर्त का टाइम निकाला। सारे कंफ्यूजन के बाद सारे लोग मंडप में प्रवेश करने लगे। शादी धूमधाम से करेंगे और सोचा था कि डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सारा इंतजाम आप खुद देखेंगे ये नहीं सोचा। सिक्किम के सीएम आ रहे हैं। सिक्किम के सीएम? उठिए ना, वो आ गए। चलो चलो। इस लकी डिप वाली शादी में सिक्किम के सीएम किस लिए? पता नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते डैडी। हाँ, सिक्किम के सीएम इतने सीख क्यों हैं? पास आकर बैठिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी मेरी बेटी है। आपकी बेटी? हाँ। लकी डिप, लकी लकी डिप। ओहो, बेटी लकी डिप। हाँ, नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी बेटी, शादी लकी डिप। अच्छा। सर उठिए उठिए। अब कौन आ रहा है? पंजाब के गवर्नर आ रहे हैं। पंजाब के गवर्नर? अरे चलो चलो उधर चलो। आइए आइए। धर्मा ग्रुप वाला सुन की अच्छी पहचान हो। वो लगता है पहचानी नहीं, पुराना याराना है। आप चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूंगा, बल्ले बल्ले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेटी मेरी बेटी। लकी डिप, लकी डिप। बेटी लकी डिप पे आई? नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी बेटी, शादी लकी डिप में हुई है। कोई शादी लकी डिप? डैडी टेंशन में क्यों है? अरे अब इस बार कौन आने वाला है यही टेंशन है। सर सर सर, दिल्ली के सीएम आ रहे हैं, जरा इस तरफ बैठ जाइए। सीएम? अरे चलो भाई उधर चलो। यजमान, लड़के के माता पिता को कहिए कि वो लड़के के लिए वस्त्र लेकर आए। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, मैंने खुद आपके लिए 22 कैरेट की ये रिंग बनवाई है। कॉस्टलियस्ट गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, 45,000 रुपए की। सुपर सर। वो तो ठीक है, मेरी बेटी को आपके धर्मा ग्रुप वाले कौन से गिफ्ट दे रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर, छोटा सा गिफ्ट है। यही है हमारा गिफ्ट। नकली है ना? नकली। 22 कैरेट से बने असली सोने के हैं। कितना होगा? ज्यादा नहीं, बस 300 करोड़। 300 करोड़? ओह माय गॉड। खुद को संभालो। रहने दीजिए, मैं आप सबको जानता हूँ। फोटो लेकर पब्लिसिटी करवाएंगे और शादी होते ही इसे लेकर वापस चले जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है, ये सब आपकी बेटी का है। ले लीजिए पिताजी। ये सच में क्या मेरी बेटी के लिए है? ये लीजिए। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटे, तुम्हारे पापा ने मेरी शादी पर ये चेन मुझे दी थी और अब तुम्हारी शादी पर वही चेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो बेटी, शर्माओ मत बेटी, ले लो। ऐसा बड़े दिलवाला लड़का तुम्हें पति के रूप में मिला है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। डैडी, हाँ, आपने एक बात ऑब्जर्व की? हाँ। इस शादी में सारे परफॉर्मर एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सब पैसे वाले एक ही तरह के होते हैं। ये लो बेटी काम्या, तुम्हारे लिए सरप्राइज। छोटा सा लिफाफा देकर सरप्राइज की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ लिफाफा नहीं, 10 दिन यूरोप घूमकर आने के लिए फ्लाइट टिकट्स हैं, हनीमून ट्रिप। सुनिए भाई साहब, हम सोच रहे थे कि हम अपने दामाद जी को अपने घर ले जाएंगे और आप फॉरेन ट्रिप। डैडी, अपने घर तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, यूरोप तो रोज नहीं जा पाऊंगी ना। ठीक ही तो कहा। ये भी सही है, अब दूल्हा दुल्हन यूरोप जाकर घूमने की बात कर रहे हैं तो फिर हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप तो बनती ही है।
नो 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 नथिंग डूइंग वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। देखो बिजनेस की बातें करते हैं। ओके बाय। अरे रुको रुको चंदो। हाँ भैया तुम्हारी शादी हो जाए तो अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे ऐसी मन्नत मांगी थी हम दोनों ने। दर्शन करके आ जाएंगे। अब तुम्हें ही देखना है कि इस घर में किसे क्या चाहिए। इसे रखो। ये किस लिए? वो इस घर में नहीं आई है ना, ये सब तो मेरी बेटी भी देख सकती है। जाओ भाई साहब, अब घर का हर एक फैसला इसे ही करना होगा। हाँ भैया हम चलते हैं। आप आराम से दर्शन करके आइएगा। हाँ। बिजनेस का कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब देख लूंगा। मैडम, इट्स ऑलरेडी वन मंथ, नथिंग इज हैपनिंग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? दामाद जी, इनकी डील का क्या हुआ? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? मान जी, मैडम, दामाद जी असली बात बताने से डर रहे हैं। वो मिल अभी तक हमारे हाथों में नहीं आई है। ये जब वहाँ गए थे तो ऑनर ने उसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। He is wrong. देखो देखो वहाँ कोई फंसा है क्या? जल्दी करो, आराम से आराम से अंदर चलो। तुम अंदर आओ, जल्दी करो। अंकल अंकल अंकल, ये सब कैसे हुआ अंकल? मैं मरा है का दामाद। क्या कर रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? ये तो सरासर गुंडा कर दी है। आइए। नहीं बेटे नहीं, ये फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी है। इसके साथ ही मेरा भी राख में मिल जाने का समय आ गया। ये ले ले बेटा, ये मेरी तरफ से तेरी आखिरी सैलरी।